ओम नमः शिवाय। आज भरणी नक्षत्र में जन्मे बच्चे पिता के लिए अति भाग्यशाली, अच्छे विचारों वाले, दृढ़ प्रतिज्ञ, सौंदर्य प्रेमी, शौकीन और धार्मिक होते हैं। इनका रुझान सिनेमा जगत, चित्रकारी और फोटोग्राफी में होता है। यदि सहयोगी लग्न रहा तो ऐसे जातक पारिवारिक और सामाजिक रूप से अत्यंत सफल होंगे। आज आपके अंदर स्वयं के सुंदर और आकर्षक दिखने की भावना बलवती होगी। अपनी मेंटेनेंस के प्रति जागरूकता आएगी। व्यावसायिक पक्ष अनुकूल है। संतान और अपने कुटुंबी जनों के प्रति थोड़ी चिंता बढ़ी रहेगी। चाह कर भी आप अपनी सक्रियता मन मुताबिक बढ़ा नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से जितना व्यवसाय से लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। आर्थिक पक्ष और अधिकारियों का सहयोग बना हुआ है। प्रयास करें, लाभ मिलेगा। अपने घर गृहस्थी पर अच्छे कामों में खर्च की स्थिति बनी हुई है। व्यवसाय और आर्थिक पक्ष अनुकूल है। नौकरी करने वाले जातकों को किसी कारणवश प्रवास की स्थिति बन सकती है। वाद विवाद और कोर्ट कचहरी के मामले में समय अनुकूल चल रहा है। सुलहनामे की स्थिति बन सकती है। संतान के दायित्व के प्रति चिंता बरकरार है। पत्नी का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। आप अपने हर प्रयास को सार्थक करने की कोशिश करें। व्यावसायिक रूप से कार्य रूप में बदलें। अधिकारियों व शासन सत्ता का सहयोग बना हुआ है। भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। विरोधी परास्त रहेंगे। सरकारी मुकदमों में अनुकूलता बनी रहेगी। धन संबंधी मामलों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। गृहोपयोगी वस्तुओं में आज वृद्धि होगी। आज संतान के प्रति सुखद समाचार मिलेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। काम करने में मन लगेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल बना रहेगा। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष मजबूत है। विरोधियों के लिए और वाद विवाद संबंधी मामलों के लिए समय अनुकूल है। पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। यदि आपकी सिंह राशि है तो जब तक सूर्य केतु के साथ छठवें घर में है तब तक आपको स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव बना रहेगा। मानसिक रूप से भी आप इस कारण से प्रभावित होते रहेंगे। आपकी काम करने की दक्षता भी इससे प्रभावित होती है। किसी काम के करने की तीव्रता घटती बढ़ती रहती है, जिससे आपकी क्षमता, आपका व्यवसाय पक्ष और आर्थिक पक्ष हर तरफ से प्रभावित होता है। अपनी हर सक्रियता को कार्य रूप में क्रियान्वित करने की कोशिश करें। आज देवदर्शन का योग बना हुआ है। केले के पौधे में जल डालें और ओम घृढ़ी सूर्याय नमः का मानसिक जप करते रहें। शनि के चौथे और केतु के पांचवें घर में होने की वजह से सामाजिक और व्यावसायिक दायित्व की पूर्ति करते करते एक अवसाद की स्थिति कायम होने लगती है। खुशनुमा माहौल की अपने परिवार में कमी ना होने दें। आपकी क्षमता प्रभावित नहीं होगी। व्यवसाय, आर्थिक पक्ष और संतान पक्ष अनुकूल चलेगा। आपके प्रयास सार्थक होंगे। अपने स्वास्थ्य पर सावधानी बरतें। आपके अच्छे कामों में निवेश का समय चल रहा है। भूमि या वाहन आदि का योग बना हुआ है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। अधिकारियों व शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। व्यावसायिक निवेश का भी समय चल रहा है। हर तरह का सहयोग बना हुआ है। प्रयास करें, सफल होंगे। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें।
मंगल के आपकी राशि पर चलने की वजह से आपके अंदर सकारात्मक भावना बलवती हो रही है। अपने निर्णयों को अंतिम रूप देने का समय हो गया है, उसको कार्यान्वित करें। अच्छे कामों में पूंजी निवेश, व्यावसायिक और आर्थिक पक्ष अनुकूल है। मन में भ्रमात्मक स्थिति न लाएं, आत्मविश्वास बढ़ा कर रखें, अनुकूलता मिलेगी। चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं, आज आपकी सक्रियता में थोड़ा आलसपन बना रहेगा। अपने ऊर्जा स्तर को बरकरार रखने के लिए आज का काम आज ही पूरा करते जाएं। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में आप अव्वल रहेंगे, आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष अनुकूल बना रहेगा। अपनी योजनाओं पर अलग से ध्यान देते रहें, सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र की जटिलता और पारिवारिक दायित्व के बीच की जटिल परिस्थितियों में मन उलझा रहेगा। नकारात्मक विचारों को मन में ना आने दें, एकाग्रचित होकर सही निर्णय लें। कुछ फैसलों में हठवादिता लाभदायक नहीं होगी। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें और घर से निकलते समय किसी मंदिर में मत्था टेकते हुए काम पर जाएं। किसी विवाद को निपटाने में किसी आदरणीय बुजुर्ग व्यक्ति या राजकीय अधिकारी की सलाह और आपकी तर्क क्षमता सहायक सिद्ध होगी। पारिवारिक उत्सव में व्यस्तता बढ़ेगी, आर्थिक लाभ मिलेगा, संतान संबंधी शुभ संदेश आएगा। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखें, पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, पीपल के पेड़ में जल डालें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। वाणी में सौम्यता परिलक्षित होगी, अत्यधिक सोच विचार आपकी क्षमता को कम करेगा, जिससे आर्थिक और व्यावसायिक लाभ प्रभावित होगा। संतान और परिवार के प्रति चिंता बनी रहेगी, लेकिन शाम तक सब अनुकूल हो जाएगा। भाग्यवश कुछ काम ऐसा होगा जिससे पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा। केले के पौधे में जल डालें और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जप करें। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।